तो मोदी जी, आपने आंध्र की बात छेड़ी, लोग आज भी कहते हैं कि ब्लैक मनी बंद नहीं हुई। इसी इलेक्शन में आप देख लीजिए कैश के इतने सीजर्स हो रहे हैं, और लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी वापस आते हैं, और ये आम चर्चा शहरों में कम से कम होती है, लोगों के ड्राइंग रूम में होती है कि मोदी जी वापस आएंगे लेकिन कम मेजोरिटी से आएंगे और अब की बार न्यू अलायंस पार्टनर्स चाहिए होंगे, और आंध्र में जगन रेड्डी की, तेलंगाना में केसीआर जी की बात चलती है। एक बहुत बड़ा फर्क है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले काले धन के बिना गुजारा हो नहीं सकता है, काला धन अनिवार्य है, भ्रष्टाचार तो जिंदगी का अंग है, ये हमने स्वीकार कर लिया था। आज ईमानदारी का महात्मा है, ईमानदारी से आगे बढ़ा जा सकता है, ये विश्वास पैदा हुआ है, और उसके कारण ईमानदारी का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बेईमानी का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। और आज भी जो कुछ ही समय में चीजें पकड़ में आ जाती हैं, कभी सरकार 25-25 साल तक रहे कुछ चीज पकड़ में नहीं आती थी, आज मध्य प्रदेश सरकार को कुछ ही महीने हुए चीजें पकड़ में आ गई, क्योंकि ईमानदारी का माहौल बना है। वरना यही चीज दबी पड़ी रहती, 4-6 साल 10 साल के बाद निकलती और कागज पे कार्रवाई करके छूट जाता, आज प्रूफ के साथ पकड़ा जाता है, क्योंकि हर लेवल पे ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा विषय है चुनाव नतीजों के बाद क्या है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पहले से ज्यादा वोट से जीतेगी, पहले से ज्यादा 282, पहले से ज्यादा सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय हमारे एनडीए पार्टनर, उनका भी टैली बढ़ेगा, और अधिक राज्यों में तीसरी बात पहले से ज्यादा वोट शेयर भी बढ़ेगा। जब परिणाम मेरे सामने साफ दिख रहा है, देश की जनता का मिजाज दिख रहा है, 5 साल की तपस्या का परिणाम नजर आ रहा है, तो सवाल उठता ही नहीं है कि हमें कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पूर्ण बहुमत से मजबूत सरकार बनाना देश ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार जिम्मेवारी देना जनता ने तय कर लिया है। लेकिन मेरा एक मत है, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अहंकार में जिए और जैसा पंचवटी में उन्होंने निर्णय किया था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। मेरा मत है सरकार बनती है बहुमत से, सरकार के फैसले होते हैं बहुमत से, लेकिन देश चलता है सर्वसहमति से, और भारत जैसे विशाल देश को चलाना है तो एक मेंबर की पार्टी का भी महात्म्य है, और इसलिए सरकार चलाना देश की जनता हमें पूरा अवसर देने वाली है। लेकिन नेता के रूप में मेरा दायित्व बनता है हमारे गौर विरोधी को भी साथ रख करके देश चलाना चाहिए।